फ्रेंड्स, बच्चों आज हम यमक अलंकार पढ़ रहे हैं। अब तक हमने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा है। अलंकार आप समझ ही गए हैं, अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करे, जो काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करे वह अलंकार कहलाता है। तो आज का हमारा अलंकार है बच्चों यमकम। यमक का लक्षण इस प्रकार से है, सत्यर्थे पृथक अर्थायः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनैव वृत्तिर् यमकम् विनिगद्यते। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दिया गया यह लक्षण है, सत्यर्थे अर्थ होने पर पृथक अर्थायः या पृथक अर्थ होने पर, भिन्न भिन्न अर्थ होने पर स्वर व्यंजन सहते, स्वर और व्यंजन के समूह का अर्थात पद का या शब्द का, तेन क्रमेण एव आवृत्ति ही, उसी क्रम में आवृत्ति होने पर यमकम विनिगद्यते, यमक अलंकार कहते हैं। अब हम इस लक्षण को इस प्रकार से कहते हैं बच्चों, जिस श्लोक में या जिस काव्य में स्वर व्यंजनों का समूह अर्थात पदों का अर्थ होने पर या पृथक पृथक अर्थ होने पर उसी क्रम में आवृत्ति हो तो उस श्लोक या काव्य में यमक अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, तो यह तो हमारी परिभाषा है। महत्वपूर्ण पद है अर्थ होने पर, पृथक अर्थ होने पर तथा शब्द की उसी क्रम में आवृत्ति होने पर, ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरह स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांतम एलोक यत से सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। प्रस्तुत उदाहरण में पलाश पलाश प्रथम चरण में इन दो पदों की आवृत्ति है, उसी क्रम में आवृत्ति है। द्वितीय चरण में पराग पराग इनकी आवृत्ति है। तृतीय चरण में लतांत लतांत इनकी आवृत्ति है तथा चतुर्थ चरण में सुरभिम सुरभिम अथवा रभिन सु इनकी आवृत्ति है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है, ये भिन्नार्थक है अथवा निरर्थक है। तो बच्चों प्रथम चरण में प्रथम पलाश का अर्थ नवीन पल्लव है, द्वितीय पलाश का अर्थ ढाक है। यहाँ पर दोनों पद सार्थक है। द्वितीय चरण में पराग तथा परागत है, परंतु यहाँ जो तय है इसे यदि हटा दिया जाए तो यह पराग और पराग पराग शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर प्रथम पराग सार्थक है, द्वितीय पराग क्योंकि यह परागत पद है अतः यहाँ पर केवल पराग कहने पर यह निरर्थक है। तृतीय चरण में लतांत मृदुल तांत, परंतु लतांत कहने पर यह निरर्थक है तथा द्वितीय लतांत सार्थक है। चतुर्थ चरण में यदि हम रभिंसु और रभिंसु इनकी आवृत्ति देखते हैं, दोनों पद निरर्थक हैं। यदि हम यहाँ सुरभिम सुरभिम इनकी आवृत्ति देखते हैं तो बच्चों प्रथम सुरभिम का अर्थ है सुगंधित तथा द्वितीय सुरभिम का अर्थ है वसंत ऋतु।
तो यहाँ दोनों भिन्नार्थक है, पद की एक ही क्रम में आवृत्ति है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार में दोनों पद की या स्वर व्यंजन के समूह की एक ही क्रम में आवृत्ति होने पर तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। नंबर एक, दोनों पद सार्थक हैं, ठीक है, जैसे इस उदाहरण में पलाश तथा पलाश, दोनों पद सार्थक हैं परंतु भिन्नार्थक हैं। नंबर दो, एक पद सार्थक है तथा दूसरा पद निरर्थक है, पराग तथा पराग, यहां प्रथम सार्थक है तथा द्वितीय निरर्थक है। नंबर तीन, दोनों पद निरर्थक है, जैसे रभिंसु 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 रभिंसु। यमक अलंकार का मैं एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देती हूं, जैसे समर समरसो अयम। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों समर समर, यहां स्वर तथा व्यंजनों के समूह की आवृत्ति एक समान है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है। यमक अलंकार होने पर भी यहाँ प्रथम समर का अर्थ युद्ध है तथा द्वितीय यह निरर्थक है। निरर्थक क्यों है? क्योंकि यह है समर समरसो अयम। बच्चों, यमक अलंकार में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसी क्रम से स्वर व्यंजन समूह अर्थात शब्द की आवृत्ति होना। यदि उसी क्रम में शब्द या पद की आवृत्ति नहीं है तो वह यमक अलंकार नहीं होता है। जैसे दमो मोदह, दमो मोदह, इसी प्रकार नव वनम। यहां पर भी वर्ण एक समान है परंतु उनकी आवृत्ति विपरीत है, क्रम से नहीं है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है तथा दमो मोदह में भी यमक अलंकार नहीं है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया यमक अलंकार कहाँ होता है? जिस श्लोक में अर्थ होने पर, पृथक अर्थ होने पर शब्दों की उसी क्रम से आवृत्ति हो तो वहां यमक अलंकार होता है, उस श्लोक में यमक अलंकार होता है। अब हम थोड़ा सा अनुप्रास और यमक में भेद पढ़ लेते हैं। अनुप्रास और यमक शब्दालंकार है, ये वर्णों के द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अनुप्रास और यमक दोनों अलंकारों का सौंदर्य शब्दों अथवा वर्णों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अनुप्रास अलंकार में बच्चों केवल अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है और यह वर्णों की अर्थात व्यंजनों की यह आवृत्ति एक क्रम में हो यह अनिवार्य नहीं है, यह किसी भी क्रम में हो सकती है तथा इसमें किसी भी स्वर का प्रयोग हो सकता है। व्यंजनों की आवृत्ति होने पर वहां पर किसी भी स्वर का प्रयोग हो सकता है, परंतु यमक अलंकार में शब्दों की अर्थात पदों की आवृत्ति होती है तथा यह आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है। बच्चों, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति को अर्थ से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं किया जाता, जबकि यमक अलंकार में पदों की अथवा शब्दों की आवृत्ति में अर्थों का महत्व होता है तथा साथ ही यमक अलंकार में आवृत वर्ण समूह या तो सार्थक होना चाहिए या भिन्नार्थक होना चाहिए या निरर्थक होना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, अनुप्रास में व्यंजनों के समूह की आवृत्ति होती है जिसमें समान स्वरों की आवश्यकता नहीं होती। यमक अलंकार में
पदों की अर्थात शब्दों की आवृत्ति होती है जिनके अर्थ का भी ध्यान रखा जाता है। बच्चों आज हमने यमक अलंकार सीखा है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे श्लेष शब्द अलंकार पढ़ेंगे। थैंक यू।